बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसानियत की हिदायत के लिए जो नबुवत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुका है और हमारे पास अब कुरान पाक की सूरत में एक ऐसा हिदायतनामा मौजूद है जिसके होते हमें दीन पर अमल करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। मगर ये भी हकीकत है कि कुरान पाक को समझने के लिए भी हमें एक रहनुमा की जरूरत है, जिसको मुबल्लिग, स्कॉलर या दाई कहते हैं। इस दावत और तबलीग के काम में जितना मजा है उतनी ही मुश्किलें भी हैं और फिर उतना ही बड़ा इनाम भी है। मगर अक्सर तबलीगी जमातों के पास जाएं और उनसे दावत और तबलीग का तरीका पूछें तो ज्यादातर यही सुनने को मिलता है कि आपको 30-40 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा, फिर आपको इसका कोर्स कराएंगे। तो हर कोई सोचता है कि क्या मैं अपनी मामूल की जिंदगी में रहते हुए दावत और तबलीग का काम नहीं कर सकता। ये नाउम्मीदी कई लोगों को दीन से दूर भी ले जाती है। सीने में जो आग लगी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो जाती है और लोग दीन को भूल कर दुनिया में मगन हो जाते हैं। इस मुश्किल का हल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जहाँ डॉक्टर जाकिर नायक ने हमें बताया कि कैसे हम 8 घंटे की नौकरी या पढ़ाई करने के दौरान तबलीग भी कर सकते हैं और घर को भी पूरा वक्त दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए तरीके के मुताबिक आपको दावत और तबलीग का आसान तरीका बताने वाले हैं। क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी सुधर जाए और आप भी इस नेक अमल की बदौलत जन्नत को पालें। डॉक्टर जाकिर नायक से यही सवाल पिशावर के रहने वाले मोहम्मद नवाज ने भी किया, जो की यूनिवर्सिटी में टीचर है। उन्होंने पूछा की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ रखा है और मैं दूसरे मजाहब की तालीम भी लेना चाहता हूँ ताकि मैं दावत और तबलीग का काम कर सकूं। बराए मेहरबानी हमें अपने तजुर्बे से आगाह करें कि शायद हम भी किसी के लिए निजात का जरिया बन जाएं। डॉक्टर साहब को ये पैगाम ईमेल पर भेजा गया था, जो उन्होंने खुद पढ़कर सुनाया और फिर उसका जवाब देना शुरू किया। मोहम्मद नवाज, यूनिवर्सिटी टीचर फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टडीड द कुरान। आई वॉन्ट टू स्टडी अदर रिलीजन्स। व्हाट वे शुड आई अडॉप्ट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजन? If there are your lectures in which you have taught the way, so please share the link. उन्होंने बताया कि मेरी आपको सबसे पहले तो ये नसीहत है कि मैंने काफी ज्यादा लेक्चर्स तकाबली मज़ाहिब पर दे रखे हैं, आप उनको देखें, उससे बहुत मदद मिलेगी। और फिर मैंने काफी किताबें भी लिख रखी हैं। आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए मैं ये नसीहत करूंगा कि आप हिंदू मत और ईसाईत की तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान में भी ईसाई और हिंदू ज्यादा तादाद में है, जबकि दूसरे मजाहिब बहुत ही अकलियत में है। अगर आप हिंदू मत से मुतालिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर हिंदू मत और इस्लाम में मुमासलत देखें, ये आपके लिए मददगार होगा। मैंने उस लेक्चर में हिंदू मत की किताबों का हवाला देकर वो बातें बताई हैं जो इस्लाम भी कहता है, और वही तालीमात उन किताबों में भी हैं। हिंदू मत में कहा गया कि खुदा एक है और इस्लाम में भी अकीदा तौहीद के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमानों के लिए खत्म नबूवत पर यकीन करना जरूरी है, तो हिंदू मत की किताबों में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनकी तारीफ बयान की गई है। खुदा के तसव्वुर का हिंदू मत और इस्लाम से मुवाजना करें तो आप पाएंगे कि हिंदू सहीफे और कुरान पाक में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, यानी कि हिंदू मत में भी उन्हीं चीजों की तलकीन की गई है जो इस्लाम में करने का कहा गया है। वो अलग बात है कि हिंदू खुद अपनी किताबों पर अमल नहीं करते, न ही उनको खोलकर देखते हैं कि उनमें क्या लिखा है। इसी तरह ईसाईत में भी मैंने मुमासलत के मौजू पर बहुत से लेक्चर्स दे रखे हैं, जिनमें ईसाईत और कुरान पाक में मुश्तरक चीजें बताई हैं कि जैसे ईसाई मानते हैं कि नाउज बिल्ला जीसस खुदा है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैंने बाइबल के कई दर्जन हवाले दे रखे हैं जिनमें मैं बताता हूँ कि कैसे जीसस खुदा के पैगंबर थे, कोई खुदा नहीं, खुद जीसस ने भी अकीदा तौहीद का प्रचार किया, और कैसे ईसाईत में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पेशगोई की गई है। वो अलग बात है कि हिंदुओं की तरह ईसाई भी बाइबल को खोलकर नहीं पढ़ते, जो चर्च ने बता दिया उसको हरफ आखिर समझते हैं। You can even refer to my talk on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the various world religious scriptures. You can refer to my talk on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hindu scriptures. You can refer to my talk as well as my book on similarities between Islam and Christianity. You can refer to my book on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible. डॉक्टर जाकिर नायक ने नवाज को नसीहत की कि मैंने जो भी लेक्चर्स आज तक दिए हैं उनमें अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकाकार पर अमल किया है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, इस सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और उसको किसी का शरीक न ठहराएं, और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए, अगर वो फिर जाए तो कह दो कि गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। कहा जाता है कि हर ताले की एक मास्टर की होती है, ऐसे ही दावत और तबलीग की मास्टर
کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس نصیحت کے مطابق ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اس چیز پر بات کرتے ہیں جو ان کے مذاہب میں اور ہمارے مذاہب میں ایک جیسی ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہی کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ اس چیز پر عمل کریں تو آپ دعوت و تبلیغ کے نیک کام میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے نواز کو نصیحت کی کہ جب بھی آپ دعوت و تبلیغ کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ دوسرے کے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں۔ اگر دوسرا شخص سائنس پر یقین رکھتا ہو تو اس کے ساتھ سائنس کے پہلوؤں پر بات کریں، اگر وہ لٹریچر کو پسند کرتا ہے تو لٹریچر کے پہلو سے اس پر بات کریں، مگر آپ کا بنیادی مقصد توحید ہونا چاہیے۔ آپ اس کو شراب نوشی ختم کرنے، سور کا گوشت نہ کھانے پر آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی زندگی سے شرک ختم نہ کیا تو پھر آپ کی تبلیغ کا اس کو کبھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ So while you're doing dawa, you can start with things which are common, for example, science or maybe literature or whatever you feel is common between the person you're speaking and yourself or the religion who you're talking about and Islam. But your main aim should be tawhid. You may convince him to be truthful, you may convince him not to have alcohol, you may convince him not to have pork, but if you do not remove the shirk from the life of your friend or the person you're talking to, your dawa is useless. Dr. Zakir Naik ne bataya ki agar aap kisi isai ke sath muzakara kar rahe hain to aapko sabse pehle usko aqeedah tauheed par manana hai. Usko bataye ki bible kehti hai ki jesus khuda nahi hai, wo paigambar hain, aur aap bible se hi sabit kar sakte hain ki jesus insaan the. Uske hawale se aap mere lecture sun sakte hain, aur jab aap hinduon se muzakara kare to sabse pehle aapki ye koshish honi chahiye ki aap unhe budh parasti khatam karne par amada kare. Isko sabit kare ki vedo mein kaha gaya hai ki khuda ek hai, uska koi sharik نہیں، اس کی کوئی مورتی، بت یا تصویر نہیں ہے۔ خدا کے ایک ہونے پر یقین دلانا آپ کی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، چاہے آپ کے سامنے ہندو ہو، عیسائی یا کسی بھی اور مذہب کا ماننے والا۔ دوسری چیز جو دعوت میں سب سے اہم ہے وہ ہے آپ کو غیر مسلم کو یہ ایمان دلانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اس پر بھی میں نے کافی لیکچرز دے رکھے ہیں جس میں ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور بائبل میں بھی جیزس کی زبانی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا ہے۔ دوسرا شخص چاہے سائنس کا ماننے والا ہو، لٹریچر کا، ماضی کی روایات یا امین ہے، یا چاہے وہ منطق سے اور عقل سے دلیلوں کو سنتا ہے، آپ کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید اور پھر ختم نبوت پر اس کا ایمان دلانا لازمی ہے۔ یہی دونوں باتیں ہیں جس کے ماننے کے بعد انسان مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ You can start with, you know, proving him about science if you think he's a man of science, no problem. But your final goal should be first tawhid, second is the risala, that Prophet Muhammad is the last and final messenger. As I mentioned earlier, I've given talks on this topic. Muhammad, peace be upon him, in the Bible. Muhammad, peace be upon him, in the Hindu scriptures. Muhammad, peace be upon him, in the world religious scriptures. And then you can go on for akhirah and for salah and various aspects. But these two are the most important aspects. And if able to convince the non-Muslim on these two aspects, he can enter the fold of Islam. Dr. Zakir Naik ne Muhammad Nawaz ko nasihat ki ke aap hamari website Al-Hidayat par jayein, usme aapko daawat o tabligh sikhane ke liye kai courses mil jayenge. Isme 200 se zyada courses hain jinme sare ke sare usi sawal ka jawab hain jo aapne kiya, aur hazaron ghanton ki videos padhi hain jinme humne yahi cheeze sikhayi hain, aur aapko us course ko seekhne ke liye koi fees bhi nahi dena padegi. To aap baghair koi waqt zaya kiye kuch bhi soche baghair ye nek kaam shuru kare, kyunki neki karni hai to fauri karni chahiye.